धर्मशाला की खूबसूरत वादियों में जब बारिश के मौसम में खराब आउटफील्ड में पुराने शिकारी न्यूजीलैंड से इंडिया का सामना होगा तो दर्शकों के मन में सिर्फ एक सवाल होगा, क्या न्यूजीलैंड से हम बदला लेंगे? क्या बदला लेंगे हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में उस मिली हार का? क्या बदला लेंगे हम धोनी को अच्छी विदाई ना दे पाने का? क्या बदला लेंगे हम हमारे वर्ल्ड कप के सपने को 2019 में अधूरा रखने का? क्या बदला लेंगे हम रोहित शर्मा के उन आंसुओं का जो मैच के बाद रोहित की आंखों से बरस गए थे? अनफॉर्चुनेट मैच था और इंडिया उस मैच में जब हारी थी तब भी बारिश हुई थी और आज जब मुकाबला है तब भी बारिश है। न्यूजीलैंड से केन विलियमसन बाहर है, इंडिया से हार्दिक पांड्या बाहर है। न्यूजीलैंड बिना विलियमसन के खेलना सीख गई है। इंडिया को सीखना है कि बिना हार्दिक पांड्या के किसे खिलाएं, सूर्य कुमार यादव को जिनकी हथेली में चोट लगी है या फिर ईशान किशन को जिन्हें मधुमक्खी ने छेद रखा है, अश्विन को खिलाएं या फिर उन शार्दुल ठाकुर को जिनकी बैटिंग को लेकर रोहित ने कहा कि इंतजार हम सब कर रहे हैं, वो बड़े खिलाड़ी हैं, या फिर उस मोहम्मद शमी को जिसके बारे में कहा जाता है कि इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि बुमराह और सिराज ओपनिंग गेंदबाजी करते हैं और नई गेंद से हम शमी को गेंद दे नहीं सकते, इस वजह से शमी को बाहर बिठाना है। सवाल बहुत सारे, लेकिन सवाल ये भी, क्या इंडिया न्यूजीलैंड, इंडिया और न्यूजीलैंड के उस मुकाबले को बीते हुए 1564 दिन हो गए और 1564 दिन बाद भी वो जीत की टीस जो है वो आज भी हमारे जहन, ये सवाल आज भी जहन में है कि अगर धोनी ने उस दिन डाइव लगा दी होती तो शायद हम मैच जीत जाते। ये सवाल आज भी जहन में है कि अगर बारिश ना हुई होती तो हमारे गेंदबाजों ने जो कमाल किया था, न्यूजीलैंड को छोटे स्कोर पर रोक दिया था, वो शायद खत्म हो जाती। ये सवाल आज भी हमारे जहन में है कि अगर ऋषभ पंत ने लप्पा ना मारा होता, अंबाती रायडू को टीम में ले लिया गया होता, रोहित विराट राहुल सस्ते में आते ही चले जा गए होते तो फिर मैच शायद हम जीत लेते। महेंद्र सिंह धोनी का वो आखिरी मैच हम भूले नहीं और लास्ट टाइम की अगर बात करें तो 2003 हमने न्यूजीलैंड को हराया था, तब 7 विकेट से हमने हराया था, लेकिन तब से काफी चीजें बदल चुकी है। 2003 के बाद से एक लंबा समय हो चुका और उस लंबे समय में या तो न्यूजीलैंड से मुकाबला नहीं हुआ और या मुकाबला हुआ तो फिर टीम जो है उनके सामने वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाई। 9 मुकाबले ओवरऑल खेले गए हैं, 1975 में फर्स्ट खेला गया था जिसमें से 5 मुकाबले न्यूजीलैंड ने जीते हैं, 3 मुकाबले इंडिया ने जीते हैं और 1 मुकाबला जो है वो टाई हो गया। लेकिन इस बार बारिश अगर नहीं हुई तो फिर ये मुकाबला फिंगर क्रॉस करने वाला होगा, क्योंकि इस मुकाबले के बाद ये पता लग जाएगा कि कौन सी वो टीम है जो सबसे बेहतर है, जो अजय है, जो अब तक 5। ये वही मैदान है जहां पर साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड के बीच मैच खेला गया था। साउथ अफ्रीका इस टूर्नामेंट में सिर्फ 1 मैच हारी है और वो यही हारी थी नीदरलैंड के सामने। दोपहर 2 बजे मौसम को लेकर चर्चा होगी और दोपहर 2 बजे ही बारिश पर भी चर्चा होगी, ये दोनों बातें एक साथ हैं। लेकिन टीम इंडिया के सामने सिर्फ बारिश एक परेशानी नहीं है, परेशानी हार्दिक पांड्या का ना होना। हार्दिक पांड्या के ना होने से आप एक एक्स्ट्रा गेंदबाज या एक्स्ट्रा बल्लेबाज नहीं खिला पाएंगे, या तो आप 5 बल्लेबाज 6 बैट्समैन 5 बॉलर ही आप खिला पाएंगे, आप 7 बल्लेबाज और 6 बॉलर नहीं खिला पाएंगे, या 5 बॉलर नहीं खिला पाएंगे। तो ये एक परेशानी का सबब जो है टीम इंडिया के लिए। उनकी जगह ऑप्शंस बहुत सारे हैं, सूर्य कुमार यादव, मोहम्मद शमी, रविचंद्रन अश्विन, शार्दुल ठाकुर, ईशान किशन, ये तमाम लोग हैं। इनमें भी जैसा कि हमने आपको बताया कि सूर्य कुमार को चोट लगी है, ईशान किशन को मधुमक्खी छेद रखी है, सो ओवरऑल आपकी टीम जो है काफी डिपेंडेंट होगी टॉप 5 पर, जिसमें रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर शामिल होते हैं। इन्हीं पर यह टीम डिपेंडेंट होने वाली और इन्हीं के भरोसे आपको मैच जीतना होगा। हालांकि फास्ट बॉलिंग को ये पिच काफी सूट करती है और जब जब हमारा मुकाबला लास्ट टाइम होता मैनचेस्टर में, सो वहां पर हमने देखा था कि मैट हेनरी हो, ट्रेंट बोल्ट हो या लॉकी फर्ग्यूसन हो, इन लोगों ने अच्छी गेंदबाजी कर रखी है। खासतौर पर हेनरी और बोल्ट ने उस साल बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। अब टिम साउदी भी लौट आए हैं, लॉकी फर्ग्यूसन पिछले मैच में कह बरपाती गेंद डालना वापस शुरू। सो ये मैच काफी इंपॉर्टेंट है, लेट्स जस्ट होप कि इस मैच में पूरा मैच हो और हम उनसे बदला ले सकें। बदला जरूरी भी है बिकॉज न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका ही 2 टीम ऐसी हैं जो इंडिया को वर्ल्ड कप में हराती हैं, मतलब ये परेशान करने वाली टीम है। 2011 में भी हमें अफ्रीका ने हराया था, 2019 में हमें न्यूजीलैंड ने हराया और इस साल भी यही 2 टीम लग रही हैं जो हमें हरा सकती हैं, बाकी टीमों को मैनेज कर लेंगे। सो इस टीम के खिलाफ जो हमारा प्लेइंग 11 मुझे नजर आ रहा है उसमें रोहित शर्मा, शुभमन गिल खेलते नजर आएंगे, विराट कोहली 3 नंबर पर हो जाएंगे,
चार पर श्रेयस, पांच पर राहुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। छह नंबर पर मुझे लगता है सूर्या या ईशान में किसी एक को मौका मिलेगा। मेरे हिसाब से सूर्य कुमार यादव की ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि टफ सिचुएशन, मतलब रन ज्यादा चाहते हो आप कि न्यूजीलैंड के सामने थोड़े रन ज्यादा बने, और सूर्य कुमार यादव थोड़े डिस्ट्रक्टिव प्लेयर हैं, ऑल्सो उन्हें इस वर्ल्ड कप में मौका नहीं मिला है। इसके अलावा सात नंबर पर रविंद्र जडेजा इज कन्फर्म। आठ नंबर पर मुझे लगता है शार्दुल या शमी में कोई एक खेलेगा, क्योंकि ये पिच जो है ये स्पिन ट्रैक को हेल्प करता है, लिहाजा फास्ट बॉलिंग को हेल्प करता है, लिहाजा अश्विन के चांसेस कम हो जाते हैं। सो शार्दुल या शमी किसे खिलाएंगे आप? यार मैं शमी के साथ जाऊंगा, लेकिन कैप्टन शार्दुल को प्रेफर करते हैं एक एक्स्ट्रा बैट्समैन के तौर पर, लेकिन मैं शमी के साथ जाना चाहूंगा। उसके बाद 9 नंबर पर कुलदीप, 10 नंबर पर बुमराह और 11 पर मोहम्मद सिराज। ये मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड की बात की जाए तो कॉनवे यंग खेलेंगे बिकॉज विलियमसन नहीं है। देन उसके बाद आप क्या आते हैं, रचिन रविंद्र, मिचेल, लैथम, लैथम के बाद फिलिप्स, चैपमैन, सैंटनर, हेनरी, बोल्ट और फर्ग्यूसन, ये उनकी टीम है। आपके हिसाब